हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम शुरू करेंगे नैनो मशीन का नरेशन। इसका पहले एपिसोड देखकर बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करके हम इसके पहले एपिसोड की पूरी कहानी जान लेते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डर के मारे जंगल में भाग रहा होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा उसे मारने। वो लड़का भागते हुए नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लगती है। और जब वो अपने सामने देखता है तो बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जिनसे वो डर के भाग रहा था। वो लड़का कहता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर ही शुरू से नाच रहा था? उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हें शायद भागने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तभी तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में एक घंटा लग गया। वेल डन प्रिंस जियोन। दूसरा आदमी कहता है, यहाँ पर इतने समय तक इंतजार करते करते मुझे तो नींद आने लगी है। प्रिंस जियोन अपने सामने इन्हें देखकर सोच रहा था, आखिर मैं अभी क्या करूंगा, मेरे अंदर अभी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं यहाँ से भाग पाऊँ। प्रिंस जियोन फिर उन आदमियों को कहता है, आखिर क्यों तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो एकेडमी में भी खुद को एनरोल नहीं करवा रहा, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? उन लोगों में से एक आदमी कहता है, अगर तुमने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी या फिर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस जियोन, जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का अधिकार है, हमारे पास बस यही एक रास्ता है और तुम्हें इसे गिव अप करना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पीजन ब्लड है, यानी गरीब का खून। सिंस तुम्हारा खून का रिश्ता उनसे है, हमें तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। प्रिंस जियोन सोच रहा होता है, पीजन ब्लड, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम की डिसरेस्पेक्ट करने की? वो मुझे किसी भी हालत में मार नहीं सकते, और अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो आदमी कहता है, क्या तुमने वॉरियर जेंग से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है? नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, पर तुम्हें देखकर ये जरूर लग रहा है तुम अपने ब्लड लाइन को प्रूव कर रहे हो। बिना किसी ट्रेनिंग और स्किल के तुम आखिर तक हार नहीं मान रहे, लगता है तुम्हें मारने में काफ़ी मज़ा आएगा। सुनो, सभी लोग उस पर एक साथ ही हमला करो। और सभी उस पर एक साथ ही हमला कर देते हैं। प्रिंस जियोन लड़ने की कोशिश करता है, पर वो जल्द ही पकड़ा जाता है और उसके हाथ से डैगर भी नीचे गिर चुका था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे छोटा सा विरोध यही ख़त्म होता है? तभी प्रिंस जियोन अपने पीछे से एक दूसरा डैगर निकालता है, जो देखकर दूसरा आदमी उसे अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही प्रिंस जियोन उसे मार चुका था। और ये देख सभी काफ़ी हैरान थे, आखिर एक बच्चा जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती हमारे एक मेंबर को कैसे मार सकता है? क्या उस लड़के ने जानबूझकर ये सब करा ताकि हम सब अपना गार्ड डाउन कर दे? वह बच्चा ऐसे सिचुएशन में भी एक चाले के पर हमला करने में कामयाब रहा। क्या होता अगर उसने सच में ही मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर ली होती? और वह आदमी बड़े गुस्से में प्रिंस जियोन के ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है। पहले वह उसे एक नींव मारता है और कहता है, क्योंकि हमने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत हो गई। और वह बड़े गुस्से में प्रिंस जियोन के पेट में शोर से एक होल कर देता है और फिर उसे अपने पैरों से दबाने लगता है। तुम्हारे पेट में एक होल होने के बाद अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रिंस जियोन सोच रहा था, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं दोबारा इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर फिर भी ठीक है, एटलीस्ट मैं उनके एक मेंबर को तो मार पाया। वो आदमी कहता है, तुम्हें भी धीरे धीरे करके एक पेनफुल डेथ मिलेगी, पर किसी को भी ऐसे मारना मेरी स्टाइल नहीं है, पर जबकि हमारा एक आदमी मारा गया है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से आती है, जिससे टकरा कर वो आदमी मारा जाता है। सभी अपने सामने देख कर पूरा डर गए थे। तभी उन्हें उनके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था और ये लड़का कौन है और उसने ये कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं, इससे पहले तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो सभी एक साथ ही हमला करने जाते हैं, पर वो लड़का इतना फास्ट है कि पलक झपकते हुए लड़का गायब हो जाता है। वो हमारे सामने से ऐसा गायब हो जैसे कि वो यहाँ पर था ही नहीं। क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है? नहीं, ये नहीं है, ये ऐसा है जैसे कि वो एक ही सेकेंड में गायब हो रहा है। तभी उनके ऊपर वो लड़का लाइट्स की स्पीड से हमला करने लगता है। जो देखो सोच रहे थे, आखिर लाइट एग्जैक्टली क्या है? क्या यह हो सकता है एक से मास्टर के पावर हो जिनकी रैंक खास लेवल तक पहुंच चुकी है? पर आखिर उनके जैसा कोई मास्टर उस लड़के को क्यों बचाएगा? ऐसे भी उस लड़के का बहुत सारा खून बह चुका है, तो वो ऐसे ही मारा जाएगा, उसे बचने का कोई फायदा नहीं। मतलब हमारा मिशन पूरा हुआ, जल्दी करो सभी और यहाँ से निकलो। पर वो लड़का उन्हें वापस जाने नहीं देता। और उन सभी को मरता हुआ देख प्रिंस जियोन बहुत ही खुश हो रहा था, पर उसकी हेल्थ इतनी डिटोरिएट हो चुकी है कि वो बेहोश होने लगता है। उसे देख वो लड़का कहता है, लगता है हमारे एंसेस्टर हैप्पी मूड में है, डेथ बेड पर होने के बाद भी। प्रिंस जियोन सोच रहा था, एंसेस्टर आखिर ये कौन है और ऐसे नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है? ऐसे अचानक यहाँ पर अपीयर होने के बाद मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मेरी एंटेरा बॉडी टूटने लग रही है,
क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? वो लड़का कह रहा था, क्या उन्होंने मुझे ऑलरेडी ढूंढ लिया है? लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी आकर आपको सिखाना चाह रहा था आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर लगता है कि प्लान को बदलना पड़ेगा। सिंस आप जल्दी ही मरने वाले हैं, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और वो कोई इंजेक्शन प्रिंस चियोन के गले में लगा देता है। मैं इसे लगा रहा हूँ, यह बहुत ही क्रिंज है। खैर चलो, काम तो पूरा हुआ है। एंसेस्टर नेम, प्लीज मेक श्योर करना कि आप सक्सेस हो जाओ ताकि आपके डिसेंडेंट की लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। ये नैनो मशीन लेटेस्ट वर्जन का है तो इसे यूज कर पाना बहुत ही आसान होगा। गुड लक एंसेस्टर इस अच्छे से सीखने के लिए। और वह लड़का चला जाता है, यानी प्रिंस चियोन उस लड़के का पूर्वज है और वह यहाँ पर आया था प्रिंस चियोन की हेल्प करने। प्रिंस चियोन सोच रहा था, आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था, आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था और ऐसे अजीब से बातें क्यों कर रहा था और ये सब क्या था। तभी उसके अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक सीरियल नंबर बताती है और ये भी कि 7G नैनो मशीन है और इसकी एक्टिवेशन अभी शुरू हो जाएगी। पर अपने अंदर से प्रिंस चियोन किसी के वॉयस सुनकर पूरा ही घबरा गया था। और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, यह था नैनो मशीन का पहला एपिसोड। कमेंट करके बताना कि तुम्हें इसका पहला एपिसोड कैसा लगा और तुम्हें इसका और एपिसोड्स चाहिए या नहीं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.